खबर नई दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से की है मुलाकात। बता दें कि सीएम ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की दी है जानकारी। सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि सीएम जिस इलाके में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, वहीं सीएम साय ने कहा कि गृह मंत्री ने इन प्रयासों की सराहना की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। बैठक में नक्सल उन्मूलन की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जो सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम ने की है मुलाकात। सीएम ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी। सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सीएम साय ने कहा, जिन इलाकों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, वही गृह मंत्री ने इन प्रयासों की सराहना की है। केंद्र की ओर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। बैठक में नक्सल उन्मूलन की रणनीति पर भी चर्चा की गई है। नक्सल गतिविधि चल रही है, उसके विषय में अवगत कराया और उनके मार्गदर्शन में और डबल इंजन की सरकार होने के कारण हम लोग बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में करीब 200 नक्सली मारे गए हैं और करीब 600-700 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और उतने ही की गिरफ्तारी भी हुई है और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी का जो संकल्प है कि मार्च 2024 तक इस देश से नक्सलवाद खत्म करना है, उस दिशा में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार वहाँ के जवान काम कर रहे हैं। कोई खास निर्देश या कुछ बातें अमित शाह की तरफ से की गई है? उनको तो हर चीज़ पता रहता है, चाहे कोई भी चिंता करते रहते हैं। और हम लोग का सौभाग्य है कि 10 महीने में कई बार छत्तीसगढ़ जा चुके और स्पेशल नक्सलवाद को लेकर दो बैठकें भी वहाँ कर चुके हैं। नक्सलवाद से हटकर एक सवाल, रायपुर और बाकी के इलाके में हमने देखा है महादेव ऐप से लेकर अभी तक करप्शन काफी बोलबाला रहा है। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भी रायपुर में छापेमारी हो रही है बिटकॉइन से जुड़े एक मामले में, जिसमें महाराष्ट्र की सुप्रिया सुले का नाम आया है, तो करप्शन की लड़ाई के बारे में आप क्या? पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में करप्शन का बोलबाला था छत्तीसगढ़ के अंदर में, हर चीज में वहाँ पर करप्शन हुआ, आपका कोयला में हुआ, रेत में हुआ, यूनियन की राशि में हुआ, महादेव में हुआ, शराब में हुआ, लेकिन हमारी सरकार करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है और लगातार एजेंसियाँ काम कर रही हैं और दोषीदार जो है कि 1.5 साल से जेल के अंदर भी है और जेल लगातार जा भी रहे हैं। अभी PSC घोटाले की जाँच भी CBI कर रही है और उसमें भी गिरफ्तारी शुरू हो गई। जो